क्या पूछा आपने? वजह एक मिनट इधर होना, रिश्ता वही बात नहीं। ऑब्वियसली सबको बुरा लग रहा है, इतना अच्छा शो परफॉर्म कर रहा था, हम लोग कॉन्स्टेंटली टॉप 5 में थे और स्टार्टिंग टू एंड हम लोग कॉन्स्टेंट स्लॉट लीडर्स थे, तो बुरा तो ऑब्वियसली लगा। ये नॉर्मल दुनिया को बिग बॉस बना देती हैं घर का। तो आज पायन के फैंस जो है वो हम उन्हीं के लिए आए हैं। यस, क्या कहेंगे आप और दोनों ट्रेनिंग करते हैं, ये पहले से प्लान था कि प्लान नहीं था। हम लोगों ने पूछा एक दूसरे से कौन सा कलर पहनेंगे एंड देन हम लोग एक कॉमन कलर हमने डिसाइड किया और हमने ऐसे कोऑर्डिनेट कर लिया आप सबके लिए। हाँ एग्जैक्टली यही, और हम लोग यहाँ पे आए हैं स्टार परिवार बहुत जोर है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग ओकेजन और सारे हमारे एक्टर फ्रेंड्स और सब इंडस्ट्री के लोग होंगे, बट वी आर हियर फॉर आर ऑडियंस, वो लोग हम दोनों को साथ में देखना चाहते थे, तो आई थिंक दिस इज़ आर गिफ्ट टू यू। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग सामने से देखने के लिए, हमने टीवी पे तो जरूर देखा है तो आज देखा मैंने तो काफी अच्छा लगा। आपकी क्या मेमोरी रही है कुछ इस अवार्ड के साथ में? अच्छी मेमोरी आपके चाइल्डहुड मैंने देखा होगा शायद, चाइल्डहुड में भी कभी आई एम श्योर देखा होगा कभी ना कभी तो, बट आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेटअप है, द स्टेज वॉज ब्यूटिफुल एंड द परफॉर्मेंसेज वर फैब, तो आप लोग देखना बहुत मज़ा आएगा। एंड भाई आप दोनों को लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या मैसेजेस सब आप लोग को आ रहे हैं DMs में Instagram पे, क्योंकि जो मैं देखा करता था कि आप लोग के जो एडिट्स जो है बहुत ज़्यादा लोग बहुत मतलब उसको एडिट बनाया करते थे, आप दोनों की एक हैशटैग भी बनाए हुए उन्होंने जी, क्या किस तरीके के फैंस के भी मैसेजेस आ रहे हैं? तो फैंस ने हमें अपना नाम दिया एक फयान और दैट विल स्टे विद अस फॉरएवर, और उस नाम के साथ इतना प्यार दिया है और उस नाम को इतना प्यार दिया है कि वील बी फॉरएवर ग्रेटफुल। हम लोग बहुत बहुत खुद को लकी मानते हैं कि लोग हमें इतना प्यार दिखाया लोगों ने और अब भी दिखा रहे हैं शो खत्म होने के बाद भी। अभी ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए सब बातें करते रहते हैं, उन्होंने बहुत बार हमें ट्रेंड कराया आफ्टर द शो, दे वांट टू सी अस अगेन टुगेदर, तो बहुत अच्छा लगता है। बट कहने में आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो इतने कम टाइम में जिस तरीके से फैंस ने आपको अपनाया था वो एक मतलब लोगों का जो प्यार था वो अलग ही लेवल पे था? बिल्कुल था, और वही प्यार है जो हमें एज एन एक्टर मोटिवेटेड रखता है कि हम और ऐसे रोल सीख करें जहाँ पे हम अच्छा कर सकें और लोगों का प्यार बटोर सकें। अब और क्या आने वाला है की तरफ से? फालतू टू प्लान कर रहे हैं? अगर बना तो करेंगे। फालतू टू यू नेवर नो, होपफुली नेवर से नेवर। मास्टर जी की कहानी आगे बढ़ेगी इसमें? अभी तो बहुत कुछ बाकी था हमारी स्टोरी पे में एक्सप्लोर करने के लिए, तो हो सकता है ऑब्वियसली, होपफुली मार्ट साहब और फालतू साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। यस, बट आकाश भाई क्या आप वजह मानते हैं? अगर हम आपकी अगर मानते हैं तो क्योंकि शो ऑलरेडी बहुत क्या पूछा आपने वजह एक मिनट इधर होना, रिश्ता वही बात नहीं, वजह हम नहीं बता सकते, वजह हाँ वजह ये बता पाएंगे और लोग पूछ रहे हैं क्योंकि लोग इतना प्यार करते हैं हमें और वो गलत भी नहीं है पूछने में, बट ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमने जितना टाइम रहे हम लोग वी वर स्लॉट लीडर्स, वी हैड अ ग्रेट रन और इतना प्यार मिला कि वी कैन नॉट आस्क फॉर मोर। बट भाई आई एम डैम श्योर जिस तरीके से आपको प्यार भरे मैसेजेस आए होंगे उनको भी कई तरीके उस तरीके के मैसेजेस जा रहे होंगे। आप दैट्स ट्रू, बट ऑब्वियसली सबको बुरा लग रहा है, इतना अच्छा शो परफॉर्म कर रहा था, हम लोग कॉन्स्टेंटली टॉप 5 में थे और स्टार्टिंग टू एंड हम लोग कॉन्स्टेंट स्लॉट लीडर्स थे, तो बुरा तो ऑब्वियसली लगा, पर ठीक है हो गया है तो हो गया है, आगे जो होगा और बेटर होगा। एंड लास्टली एक ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोनों जल्दी ही बिग बॉस के हिस्सा बनने वाले हैं, मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, निहारिका आपका तो बहुत क्लियरली उसमें नाम आया हुआ है। आई डोंट नो, अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट यू नेवर नो। तो वाला है अभी बिग बॉस के बारे में ऐसा है कि मैं सोच भी रही हूँ, नहीं भी सोच रही हूँ, इट्स नॉट अ यस नॉट अ नो, यू नेवर नो। आप साथ देने जाएंगे? मैं छोड़ आऊँगा बिग बॉस तक उससे आगे नहीं, नहीं नॉट राइट नाउ। आई थिंक शी विल बी अ वेरी एंटरटेनिंग मेंबर ऑफ द हाउस इफ शी गेट्स टू गो देयर, इफ शी डिसाइड्स टू गो देयर। अब ये नॉर्मल दुनिया को बिग बॉस बना देती हैं घर का, तो क्या ही हाल होगा अच्छे वे में। ओह ओके,
आई थिंक व्हाट्सएप को भी जाना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मैं ज़्यादा एंटरटेनिंग हूँ, बट ये मेरे साथ ही भी एंटरटेनिंग ही होते हैं। हाँ मुझे आप ही लेने आओगे बाहर। सो स्वीट ऑफ यू। बस वी लव यू ऑल अलॉट एंड दिस वॉज फॉर यू और नेवर से नेवर, यू नेवर नो फालतू 2.0। यस होपफुली।